पहाड़ी फिजाओं में इन दिनों कलाबाजी और गुटबाजी नाम की हवाओं का रुख बदला सा नजर आ रहा है। नए सीएम फुल टू जोश और होश में हैं। भाई सत्ता का सवाल है, कलाबाजी और गुटबाजी ही चलती रही तो पंचायत चुनाव ही नहीं राज्य की 5 लोकसभा सीटें भी हाथ से फिसल जाएंगी। वैसे ही पार्टी की 7.5 चल रही है, ऐसे में पार्टी के नैया पार लगाने की खातिर होठो पर मुस्कुराहट किए नए सरदार हरीश रावत पहाड़ी तंग गलियों में आमजनों के बीच नजर आ रहे हैं, आम जनता के सुध ले रहे और बच्चों को गोद में लिए पुचकारते भी नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री साहब ठहरे भी हैं तो मुख्यमंत्री निवास में नहीं बल्कि आमजन के लिए खुले बीजापुर गेस्ट हाउस में। भाई इसे कहते हैं दिल जीतना, जनता की टोह तो ले ली लेकिन अपनों को नहीं मनाया तो ये कोशिश धरी की धरी रह जाएगी। ये बात सीएम साहब बखूबी जानते हैं, तभी तो नए अंदाज वाले मुखिया साहब जा पहुंचे कल तक मुख्यमंत्री की कतार में लगी इंदिरा हृदेश और हरक सिंह के घर। यहाँ भी नए मुख्यमंत्री का रंग खूब चढ़ा। इंदिरा और हरक सिंह ने मुख्यमंत्री हरीश रावत का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इतना ही नहीं, सतपाल महाराज और पीडीएफ के चेयरमैन और बहुगुणा सरकार के सबसे बड़े सुरक्षा कवच मंत्री प्रसाद नैथानी भी नए सीएम के साथ कदम से कदम मिलाते रहे। वहीं नए सीएम की जादू की झप्पी रूठे दिनेश धने पर भी काम कर गई। और फिर मंत्री नैथानी हो या यूकेडी के प्रीतम पवार या दिनेश धने, सभी मुख्यमंत्री साहब हरीश रावत के चरणों में दिखे। यानी नए सीएम का ये अंदाज पार्टी को एक कर गया। ये 98 की मुलाकात थी और चूंकि वो मुख्यमंत्री बन गए तो नई भूमिका में है। उन्हीं की नर्सरी का एक पौधा था राजनीति में हरीश रावत जी की, और चूंकि एक बार गलती कहीं पर मुझसे हुई और उस गलती का कल प्रायश्चित भी हुआ। नए निजाम की जादू की झप्पी आमजनों और अपनों को तो बेहद भा रही है लेकिन विपक्षियों को हाइपरटेंशन का मरीज बना रही है। कल तक सत्तारूढ़ पार्टी के अंदरूनी कलह को फायदे का सौदा मानकर चल रही विपक्षी पार्टी को मुख्यमंत्री साहब का ये पैंतरा गले के नीचे नहीं उतर रहा है। टेंशन इतनी बढ़ गई है कि विपक्षी भी अब आमजनों के बच्चों को गोद में उठा रहे हैं। इमेज बिल्डिंग का काम किसी बच्चे को गोद में उठा लेना, किसी को थपकी दे देना, कहीं हंसी करना, कहीं मजाक करना, कहीं मैं आपका सेवक हूं कहना, इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ की जनता, आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लोग बहुत ठोस काम देखना चाहते हैं, बहुत ठोस काम। नए सरदार के नए अंदाज ने विपक्षियों की हालत बेशक पतली कर रखी है लेकिन मुख्यमंत्री हरीश रावत का ये पैंतरा पार्टी के कितने फायदे का सौदा साबित होगा, इसके लिए वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं। देहरादून से साधना न्यूज के लिए मुकेश चौहान के साथ राजीव रावत की रिपोर्ट।